दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। और जो ये ब्लाउज बना रही हूँ, मैं 40 इंच का बना रही हूँ। उसके जो लिए मैंने क्लॉथ लिया है वो आपको सेंटीमीटर में बताती हूँ, कितना सेंटीमीटर लिया है मैंने। ये 70 सेंटीमीटर मैंने क्लॉथ लिया है। अभी मैंने इसको इस तरह से खोल दिया। इसका जो पन्ना है ये ज़्यादा है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज आते हैं उससे ज़्यादा है इसमें, इसीलिए हम आराम से इसमें 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है। और जो ये ब्लाउज बना रही हूँ, ये फ्रंट ओपनिंग बना रही हूँ, आप बैक ओपनिंग भी बना सकते हैं। जो ब्लाउज की बैक लेंथ है 14 इंच तैयार में, और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। अगर आप इसी में फोल्ड करने के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें भी रख सकते हैं, उसके लिए फिर हमको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जिससे कि हम सेम इसी को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये 16 इंच लिया है, इसी में फोल्ड कर दूँगी, अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर 12 इंच, और सबसे पहले मैं बैक पीस कट कर रही हूँ, मुड्डे 6 इंच, चेस्ट 40 है, जब हम इसको तैयार रखेंगे तो 10 इंच आएगा, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो मैंने 12 इंच लिया है। ये तैयार साइज है, ये सिलाई मार्जिन है। मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच, नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप डीप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। जो मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सेम ड्राफ्ट में हम कट कर लेते हैं और नेक हम बाद में कट करेंगे। इसको भी हम साइड में रख देते हैं और फ्रंट पीस अभी कट करते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से घुमा लेंगे कपड़े को। तो जो हमने यहाँ पर कट किया है बैक साइड का, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। शोल्डर लेते हैं 6 इंच, मुड्डे 6 इंच। अब इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे पीछे मैंने 2 इंच लिया है, इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसमें हम 13 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हमारा प्रिंसेस कट पॉइंट रहेगा वहाँ पे भी स्टिचिंग हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी साइज का कट करें उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें बैक साइड से। मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच, और आप इसको इस तरह से लाइन खींच लें जो कि हमारा साइज रहेगा। और जो ये ब्लाउज का थ्री पीस का जो पॉइंट आ रहा है, जो बॉडी है, ये हमारा 12.5 इंच तैयार में, जो कटोरी साइज भी, कटोरी भी बोलते हैं हम उसको, तो ये 12.5 इंच तो तैयार में है। अब इसमें 1/2 इंच शोल्डर पे जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 13.5 इंच लेना है। तो अब इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें हल्की सी गुलाई देते हुए। अभी जो सेंटर का हमको पॉइंट देना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले शोल्डर से आप 10 इंच ले लें, टेन इंच से, जैसे 40 का साइज है तो मैं इसमें 4 इंच ले रही हूँ। आप 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। अब देख रहे हैं, शोल्डर से हमने 10 इंच लिया है जो कि हमारा ये सेंटर पॉइंट है, और जो सेंटर है वहाँ से मैंने 4 इंच लिया है जो कि मैं प्रिंसेस कट का यहाँ पे प्लेट का पॉइंट दूंगी। और जो मुड्डे है यहाँ पे आप 6 इंच पे निशान लगा लें जो कि हमने मुड्डे लिए हैं सेम। अभी जो हमको प्लेट डालनी है वो हमको 2 इंच का प्लेट डालना है क्योंकि हमने शेप देनी है उसमें, तो आप इसमें 2 इंच का प्लेट डालें। तो 4 इंच तो हमारा ये आ रहा है सेंटर, अब इसमें से आप इसमें ज़्यादा ले लें, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है हुक पट्टी की साइड से सेंटर से, और 2 इंच का हमारा ये प्लेट चला जाएगा। तो जो प्लेट का पॉइंट रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये थोड़ा सा क्रॉस में आएगा,
तो आप इस तरह से इसको कट कर लें। तो यहाँ पर जो बचेगा वो 3 इंच तैयार में बचेगा और बाकी का हमारा कटिंग हो जाएगा और स्टिचिंग में चला जाएगा। जो हमने ये 6 इंच पे पॉइंट दिया है और 10 इंच पे दिया है, तो आप इसको इस तरह से एक लाइन खींच लें। तो ये तो आपका प्रिंसेस कट का और ये हमारा प्लेट का साइज आ गया ये। तो यहाँ से आप इसको प्लेट को इस तरह से कट करें और ये प्लेट का सेंटर है जो कि आप इसको पकड़ के यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। अभी जो मैंने पॉइंट दिए सेम इसमें कट कर देते हैं। अगर आपका लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो पहले आप लाइनिंग कट कर लें उसके बाद ही कट करें। ये मेरा विदाउट लाइनिंग है इसीलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। और इसको प्लेट को भी हम कट कर देते हैं। तो ये मैंने कट कर दिया है। अभी जो हमारा साइड का इसको भी कट कर देते हैं। इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग भी देनी है, तो आप यहीं से इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा दे दें। तो हल्का सा जो मार्जिन लिया है हमने वहाँ से छोड़ दें और उसके ऊपर से आप इसको कटिंग करना शुरू करें। एक्स्ट्रा कटिंग की थी ये हमने 1/2 इंच कर दी और इन पीसों को अलग कर देते हैं। आपका जो ब्लाउज आएगा वो इस तरह से आएगा। जब आप ये प्लेट डाल देंगे तो यहाँ पे आपकी शेप आ जाएगी। जो ये ब्लाउज है ये 3 पीस है, जैसे कि 1 पीस ये सेंटर का हुआ, 2 साइड का ये पीस है और नीचे हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। अभी मैं आपको नेक की कटिंग बताती हूँ। तो नेक में तैयार में 6 इंच रखना है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और ब्रॉड आप अपने हिसाब से रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं इसको 5 इंच रख रही हूँ, तो 2.5 इंच लिया है मैंने डबल फोल्ड में। शोल्डर से भी 2.5 इंच और इसको आप स्क्वायर या राउंड कोई भी डिजाइन आप फ्रंट में दे सकते हैं। तो मैं इसको हल्की सी गुलाई दे रही हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा ब्रॉड करूँगी, तो जो मैंने शोल्डर से लिया है आप इस तरह से थोड़ा अंदर की साइड ब्रॉड करते हुए और इसको इस तरह से कट कर लें। तो ये हमारे 2 पीस तो कंप्लीट हो गए। अब नीचे का बेल्ट कटिंग बताती हूँ। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट भी कट कर रहे हैं और स्लीव भी कट करेंगे। तो बेल्ट जो हम लेंगे चौड़ी, मैंने इस सेंटर से ले लिया क्योंकि यहाँ से हमने जो कट किया था पीस उसी का आप सेंटर ले लें। और मैं फोल्ड भी इसी में कर दूंगी, अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास क्लॉथ है। तो आप 5 इंच ले लें इसको। अगर कपड़ा कम है तो आप 3 इंच का ले लें और वो आपका 2 इंच का नीचे अटैच कर सकते हैं। और आपकी हाइट के ऊपर भी, आपको कितनी हाइट चाहिए, कम ज़्यादा रखना है तो आप 2.5 इंच भी तैयार में रख सकते हैं। अभी जो इसकी मैं लंबाई लूँगी, मैं इसकी 11.5 इंच लंबाई ले रही हूँ बेल्ट की। ये हमारी हुक पट्टी साइड है, तो यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है और जो साइड की फिटिंग है वहाँ से आप 4.5 इंच ले लें। 1/2 इंच 1.5 इंच वन साइड में हमने कम लिया है, इधर हुक साइड में ज़्यादा लिया है। यहाँ पर भी आप 4.5 इंच ले लें बीच में भी, तो ये हल्की सी इसकी गुलाई आएगी इस तरह से। सिलाई मार्जिन भी हमने इसी में रख लिया है जो कि नीचे फोल्ड करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। जब आप इसको स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी स्लीव की कटिंग बताती हूँ। जो बचा हुआ कपड़ा था इसको डबल फोल्ड कर लें। आप इसमें स्लीव में जॉइंट नहीं आएगा क्योंकि हमने दूसरे तरीके से इसको कट कर रहे हैं। मुड्डे की गुलाई के हिसाब से मैं इसको 10.5 इंच ले रही हूँ। मोहरी है इसकी
13 इंच तैयार में 6.5 इंच, और हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ऊपर से 3.5 इंच से आप इसमें गुलाई देनी है, तो जो तैयार स्लीव आएगी जैसे 6.5 इंच है, तो जब मैं इसको तैयार करूँगी तो ये 5 इंच की तैयार होगी, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर पर चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे तुरपाई करेंगे उसमें चला जाएगा, तो 5 इंच की हमारी तैयार रहेगी। और मैंने टोटल लेंथ इसकी 6.5 इंच ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। ये बैक साइड का है, अब इसी में मैं फ्रंट का भी बता देती हूँ। हाफ इंच जो कि एक्स्ट्रा देनी है, ये हमारा सिलाई मार्जिन है, जो सिलाई मार्जिन है वहां से आप इसको गुलाई करते हुए जाएं शोल्डर तक। सेंटर पॉइंट दे दें शोल्डर का, जैसे ये जॉइंट है तो दोनों पीस अलग कर लें। जो एक्स्ट्रा किया है उसके लिए आप जैसे ये ऊपर भी उल्टा है नीचे भी उल्टा है, सेंटर में सीधे पार्ट हैं दोनों, तो यहाँ पे आप इस तरह से क्रॉस में एक निशान लगा लें, जिससे कि आपको पता चले उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा है, और यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग भी दे दें। तो ये इस तरह से आएगा, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। मैंने फ्रंट पीस कट कर लिया, स्लीव कट कर लिया, अभी आपको बैक नेक कटिंग बाकी है वो करके बताती हूँ। तो जो लेंथ है नेक की 10 इंच में को तैयार में चाहिए, और हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, तो 10.5 इंच लिए। आप अपने साइज के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड रख रही हूँ, तो मैंने 3 इंच लिया है। इसको भी आप अगर आपको कम ब्रॉड चाहिए तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन शोल्डर से इसको मैं 2 इंच ही लूँगी, क्योंकि शोल्डर से मुझे ब्रॉड नहीं चाहिए, नीचे आके ब्रॉड रखना है। तो आप इसको इस तरह से एक निशान लगा लें, और जैसे आपको ब्रॉड चाहिए और शोल्डर से नहीं चाहिए, तो शोल्डर से आप इस तरह से स्ट्रेट ले लें और अंदर की साइड आके हल्का सा इसको इस तरह से ब्रॉड कर लें। और ये मैं राउंड नेक कट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से हल्का सा अंदर की साइड ले लिया जो बॉक्स बनाया था उससे अंदर, क्योंकि इसको हम ब्रॉड रख रहे हैं। सेम पॉइंट पर इसको कट कर देते हैं जो ड्राफ्ट कट किया है हमने। इससे क्या होता है आपका जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं, एकदम बराबर आएगा, और नीचे आके आपका ब्लाउज ब्रॉड भी हो जाएगा। सेम ड्राफ्ट रख के आप कैनवास भी कट कर सकते हैं, अगर कैनवास डालना है। अगर आपको नॉर्मल पट्टी लगानी है तो उसके लिए भी आप इसको इस तरह से क्रॉस में रखें और 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लें, लेकिन मैं इसमें कैनवास लगा के डिजाइन बनाऊंगी, तो मैं सेम ड्राफ्ट रख के नेक पट्टी तैयार करूंगी और कैनवास कट करूंगी। जैसे आप कैनवास लगाना है तो उसके लिए जैसे बचे हुए कपड़े हैं, जैसे कि ये बचा हुआ पीस है, अभी जो मैंने स्लिप कट की थी वो साइड का बच गया है, और मैंने इस ड्राफ्ट को इस तरह से रखूंगी जो कि इसका नेक पट्टी इसी में से निकल जाएगी। अगर हम स्टार्टिंग से रखते हैं तो हमारी पट्टी यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ऊपर से भी ले लिया हमने और नीचे से भी, अब इस तरह से 1 इंच के आसपास आपका कपड़ा साइड में एक्स्ट्रा रहना चाहिए, उस हिसाब से इसको आप रख लें, जैसे कि अभी बराबर आ रहा है। तो हम इसमें जॉइंट देंगे, क्योंकि यहाँ तक कट करेंगे तो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, उतना हमको नहीं चाहिए। तो ये हाफ इंच आप सिलाई मार्जिन ले लें, और उसके बाद आपका जो नेक है सेम नेक पर आप इसको कट कर लें, और जो आपको स्टिचिंग डालनी है तैयार रखना है, ये पॉइंट रखना है, और ये हमने एक्स्ट्रा लिया जो कि सिलाई डाल देंगे। अगर आपको इसको कैनवास लगा के बनाएंगे तो आपको जो बैक साइड नेक है बहुत अच्छे से बैठेगा वो, और जो फिनिशिंग आती है वो भी बराबर आएगी। तो ये हमने नेक कट कर लिया, और सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर लूंगी, और यहाँ पे इसको स्टिच कर दूंगी जिससे क्लोज हो जाएगा। अभी मैंने बैक नेक भी कट कर लिया, फिर भी ये कपड़ा हमारा बच गया है। ये आगे का नेक का ड्राफ्ट है जो कि हमने भी कट किया था, तो आप सेम फ्रंट में भी कैनवास लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम पीस में आप देख सकते हैं, मैंने इसी में से इसको निकाल दिया है। इसमें तो फ्रंट है, इसमें आपको यहाँ पर क्लोज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कट करना है क्योंकि फ्रंट ओपनिंग है ये।
आगे पीछे दोनों नेक पट्टी हमने कट कर ली है और सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर लेंगे। अभी जो फ्रंट का ये ड्राफ्ट है नेक का, तो हम इसको जो काज बनाएंगे उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको स्टिच डाल दें, स्टिच डाल देंगे तो आपका हुक पट्टी के लिए क्लॉथ तैयार हो जाएगा और इसकी चौड़ाई भी लगभग 3 इंच के आसपास है, 3 इंच है। जब आप इसको तैयार रखेंगे तो ये 1.5 इंच का तैयार हो जाएगा। उतना ही हमको चाहिए, 1 इंच का भी रखेंगे तो भी चलेगा। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम जो हुक लगाते हैं वो साइड की पट्टी कट करेंगे। तो आप इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लें। और इस पट्टी को वो ये इस तरह से स्टिच कर लें तो ये पट्टी भी आपकी तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको इसे बैक साइड में कमर में प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। तो आप सेंटर से 4 इंच ले लें और जो प्लेट डालेंगे हम 5 इंच लंबी डालेंगे और हमने 1 इंच यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है जो कि हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो आप 6 इंच ले लें। अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं लिया है तो ओनली 5 इंच की प्लेट डालें। तो हमें जो तैयार करूँगी प्लेट डाल के, तो जो हमारा ये कपड़ा है ये हमारा इस तरह से फोल्डिंग में चला जाएगा कमर की साइड में और 5 इंच की प्लेट हमारी तैयार में रहेगी। दूसरा प्लेट डालने के लिए आप यहीं से कट कर दें तो आप सेम दूसरी साइड में भी सेम प्लेट डाल सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आप बैक पीस तैयार कर लें। जो हमने एक्स्ट्रा क्लॉथ लिया है आप उसको इस तरह से पहले फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप दोनों साइड में यहाँ पर प्लेट डाल लें। प्लेट डालने के बाद आप नेक पट्टी जो हमने कट की थी उसको सेम आप स्टिच कर लें नेक के, और लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करके आप तुरपाई कर लें जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। अभी मैं आपको फ्रंट पीस की सिलाई के बारे में बताती हूँ। जैसे कि ये मैंने कट कर लिया था, देख सकते हैं पॉइंट हमारे। तो आपको जब स्टिच करना है तो आप यहाँ से मुड्डी से आपको इसको स्टार्ट करें इस तरह से, क्योंकि प्लेट तो हमने कट कर दी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है। तो आप दोनों पीस इस तरह से वन साइड का और सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी पीस स्टिच कर लें। तो ये पीस है इस तरह से आएंगे। जब आप ये स्टिच कर लेते हैं तो जो हमने बेल्ट कट की है, जो हमारा ज़्यादा बड़ा साइज है, उसको आप इस तरह से हुक साइड की तरफ लें, जो हमारी हुक पट्टी आएगी इस तरह से। आपका जब ये स्टिच हो जाने के बाद राइट साइड में हुक पट्टी और लेफ्ट साइड में काज पट्टी तैयार कर, जो कि हमने कट की है ये हमने लेफ्ट साइड में लगाएंगे जो कि ये काज पट्टी रहेगी। तो ये इस तरह से आएगी काज पट्टी जो हम तैयार करेंगे, तो इस तरह से आएगी। और जो हुक पट्टी तैयार करेंगे वो हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये पट्टी इस तरह से आएगी। जब आप इसमें हुक लगाएंगे तो हुक आपको राइट साइड में लगाना है, काज आपको लेफ्ट साइड में। तो इसका जो लुक है इस तरह से आएगा। उसके बाद जो हमने नेक कट किया है आप उसको अटैच कर लें। जो ये नेक कट किया सेम कैनवास कट करके आप इस तरह से इसको स्टिच कर दें दोनों साइड में। इसके बाद आप शोल्डर से आगे पीछे दोनों पीस स्टिच कर दें, जो कि हमने ये बैक साइड है। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका बैक पीस। बैक पीस स्टिच होने के बाद जो हमने स्लीव कट की है आप उसको स्टिच कर लें। जो हमने ये ज़्यादा कट किया है ये फ्रंट में आएगी और जो कम कट किया है बैक साइड में। तो अब इस तरह से हमने निशान भी लगा लिया कि उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है, ये हमारा राइट साइड का है तो ये इस तरह से आएगा और ये लेफ्ट साइड का है तो ये इस तरह से आएगा। अटैच करने के बाद आप इसमें फिटिंग दे दें अपने साइज के अनुसार। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें जिसमें मैं आपको इसकी सिलाई के बारे में बताऊंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।